हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। एक्चुअली बहुत सुना है और बहुत देखा है लोगों को। हे गाइस, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बहुत सुना है, बट नॉट लाइक दैट। जस्ट अ वॉर्म वेलकम टू यू ऑल। दिस इज एन इंफॉर्मेटिव व्लॉग फॉर ऑल ऑफ यू। एक्चुअली आई एम स्वेटिंग अ लॉट, सो आई थिंक आई शुड जस्ट रिमूव दिस विजुअल माइंड कि ये ना बत, कुछ लोग कमेंट करना कि बंदा जो है नंगा हो रहा है वीडियो में, नंगाई दिखा रहा है और फलाना फलाना। दिस इज जस्ट बिकॉज आई एम स्वेटिंग अ लॉट, आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम एक्सरसाइजिंग। नीचे रोज़ जा कर के मैं रनिंग करता हूँ एंड इट्स बीन यू नो द प्रोसेस फ्रॉम लास्ट 5 to 6 months आई गेस। क्योंकि हाँ, रेगुलर अगर मैं हूँ तो 5 से 6 महीने से। ये वीडियो आप सबको बताने के लिए है कि कंसिस्टेंसी, एक्चुअली इफ यू टेल मी टू डिस्क्राइब द ब्रिटिश मीनिंग ऑफ इट, ब्रिटिश डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इट, मैं शायद नहीं बता पाऊँगा। लेकिन कंसिस्टेंसी सभी को पता होगा यार, इतना नेटफ्लिक्स देखा है तुम लोगों ने, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ये वो, दुनिया भर की सब चीज़ें देख रखी है तुम लोगों ने, और सब साले एडुकेटेड हो, अपन भी एडुकेटेड है, बट एक लेवल। तो कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज में। इतने सालों से जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अब तक पता है डोले शोले बन जाने थे भाई, डोले शोले एकदम धर्म पाजी, सलमान खान और दुनिया भर के जितने भी होते हैं वैसा बन जाना था। बट ये जो कंसिस्टेंसी है ये कभी आ ही नहीं पाई ज़िंदगी में। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा इस वीडियो को, 2 मिनट के आसपास ऑलरेडी आ चुकी है, 5 मिनट हद में 3 मिनट और। इसमें बस इतना ही बताना है कि आप सब लोग जो भी घर पे एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोशिश नहीं भी कर रहे हैं, जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं और अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो उनसे मेरी राय है कि फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स चेंजिंग योर सेल्फ इज कंसिस्टेंसी। अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई बहुत टाइम से कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब साला बकवास है, जियो फॉर फुल टू जिंदगी जियो, बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने अंदर चेंज लाने के, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये आपको बात अपने मतलब घुसा देनी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं यस आई गॉट इट, बट ऐसा नहीं होता है, हम एक टाइम पे गिव अप कर देते हैं। सो डोंट गिव अप and just fix in your mind that you have to be consistent towards your exercise, towards your diet plan, towards everything if you want to bring a little bit change or a maximum change wherever you want to reach। मैं कोई बहुत आगे नहीं पहुंच गया हूं और ना मैंने कोई मंजिल हासिल कर ली है, बट हाँ अंदर से मज़ा आ रहा है और ख़ुद को चेंज होते हुए देख रहा हूं। सो इट्स यू नो अ ग्रेट रिलीफ। सी आई एम स्वेटिंग अ लॉट, पूरी टी शर्ट भीग जाती है रोज़, तो हो गई यार क्या बकवास करूँ। हाँ, तो जो आपको बताया वो, और बाकी जस्ट स्टार्ट, और कुछ नहीं करना है। जो एक्सरसाइज आपसे छोटी से छोटी, जो आपको लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ ब्रीफ वॉक जस्ट गो फॉर अ वॉक, इफ़ यू वांट टू साइकिल साइकिल, इफ़ यू वांट टू रन जॉग, इफ़ यू वांट टू डू योगा, इफ़ यू वांट टू डू होम एक्सरसाइजेस, एनीथिंग बट कंसिस्टेंट। अपनी आगे की बात तो मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में बताऊंगा कि आगे क्या, बट अभी फ़िलहाल के लिए कल एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना है जो कि हर बार मुझे गिव अप करने पे मजबूर कर देता है। मेरा गिव अप पॉइंट ये है कि मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें हैं कि मैं सबको मैनेज करते 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 ऐसा लगता है जस्ट समटाइम्स आई गिव अप ऑन माई एक्सरसाइज, समटाइम्स आई गिव अप ऑन माई स्टडीज, समटाइम्स आई गिव अप ऑन माई वर्क। भाई ऐसा तो नहीं होगा, यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। कहीं ना कहीं कटौतियाँ करनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं आपको अपना मन मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कई दिल दुखाने पड़ेंगे जिनसे आप प्यार करते हैं उनके, और नहीं भी प्यार करते हैं तो उनसे जिनको आप समय देना चाहते हैं उनके। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आज मेरा एग्ज़ाम था, आज है 7 तारीख, आई डोंट हैव अ वॉच राइट नाउ बट इट्स ओके, आज है 7 तारीख, आज था मेरा पेपर। मुझे कल जब मैं नीचे गया और व्हाइल आई फिनिश माई एक्सरसाइज, सम एक्चुअली नॉट अ रैंडम गाय, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, ही आस्क्ड मी कल कौन सा पेपर है तुम्हारा, एंड आई वॉज सो
लाइक जैसे पढ़ते पढ़ते सब्जेक्ट का नाम ही उड़ गया दिमाग से, काहे का पेपर है मेरा। तो याद आ गया फिलहाल, एक मिनट में याद आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का था पेपर। एंड यस्टरडे आई गॉट लेट फॉर एक्सरसाइज, क्यों? क्योंकि मुझे था कि मैं 9:30 बजे जाता हूँ, बट आई हैव टू फिनिश दिस टॉपिक देन ओनली आई विल गो, वरना मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि अपने आप के चैलेंजेस सेट करो, यहाँ ये मेरा चैलेंज है, ये मैं करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, भले चाहे देर हो जाए। एक ये भी पॉइंट है जो कि मैं कल बताऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये, आई वॉज फक्ड अप यस्टरडे। ऐसा लग रहा था कि यार यह है पता नहीं कल क्या करेंगे। मी एवरी टाइम वेन एवर आई गो टू गिव माई पेपर्स आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ यार मैं कर पाऊँगा। और कल भी मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं बर्बाद कर दूंगा, दौड़ाऊँगा पेपर, बट एक अंदर से वो बात नहीं आ रही थी। ऑलरेडी 6 मिनट हो गए हैं, जल्दी ख़त्म करूँगा, तो वो बात नहीं आ रही थी। देन आई प्लान कि हाँ यार मुझे ये करना है, मैं मतलब डेविएट हो गया था अपने पार्ट से, मुझे यूनिट 2 करना था। देन आई स्टार्टेड डूइंग यूनिट 3, उसने मुझे पूरा एकदम खाली कर दिया ऊपर से। देन आई थॉट कि यार अब तो एक ही यूनिट हुआ है, रात तक एक सेटिस्फैक्शन आना चाहिए ना कि हाँ जितना पढ़ना है उतना पढ़ लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा काम करना है। लेकिन वो आया नहीं अंदर से वो सेटिस्फैक्शन, तो आई वॉज फक्ड अप। बट देन आई थॉट कि हाँ इतना करके फिर आई विल एक्सरसाइज। तो व्हेन आई वेंट टू एक्सरसाइज देवर जस्ट स्टडीज गोइंग अराउंड मी, स्टडीज, हाँ यार ये कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, ये क्या पढ़ा था, रिवाइज। पता नहीं क्यों इतना दिमाग, कभी भाई मैं इतना पढ़ने लिखने वाला हूँ नहीं, बट आई एम वेरी सीरियस टूवर्ड वॉट एवर आई डू। इफ आई एम स्टडिंग आई एम स्टडिंग, इफ आई एम प्लेइंग आई एम प्लेइंग, इफ आई एम डूइंग अ वर्क आई एम डूइंग अ वर्क, जस्ट लीव एवरीथिंग बिहाइंड। लेकिन कल एक फिर एक ऐसा दौर था जब 9:30 बजे और मेरे मन में आया कि यार इट्स टाइम फॉर माई एक्सरसाइज एंड आई शुड जस्ट स्किप इट, क्योंकि मुझे पढ़ना है, आई एम फक्ड अप। बट मैंने कहा नहीं, आई विल वेट टिल 10 or 10:15। 10:15 के आसपास ही गया था एक्सरसाइज करने, कल मैं लौटाऊँगा 10:40 के आसपास, 10:15 या 10:40, ऑलमोस्ट 25 or 30 minutes आए यू नो एक्सरसाइज। एंड इट्स अ 26 circle जर्नी, सोचा है चैनल का नाम भी यही रखूँगा, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। तो नेवर गिव अप, आई डिडंट गिव अप दिस टाइम एंड आई वोंट गिव अप, बनूंगा और तुम सबको भी बनाऊंगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।